युद्ध के मैदान से भागते बुजुर्ग नागरिक और बच्चे, और स्थिति देखें, किसी बच्चे को अपनी साइकिल यहाँ छोड़ जानी पड़ी है तो किसी बुजुर्ग को अपना ये वॉकर। स्थिति बहुत ही भयावह है इस समय। आज तक बूचा डिस्ट्रिक्ट में इरपिन में है समय, और एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज को यहाँ उड़ा दिया गया है ताकि राजधानी कीव की सुरक्षा की जा सके। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि रूस की सेना बहुत तेजी से इस ब्रिज को पार करके कीव में दाखिल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रिज को तोड़ा गया है। ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण ब्रिजेस को तोड़ा गया है ताकि रूस की सेना को रोका जा सके, और जहां जहां उन्हें रोका जा रहा है वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सर्फेस टू एयर मिसाइल्स दोनों के साथ सिपाही भी बैठे हैं ताकि जैसे ही टैंक एक के बाद एक निकट आए तो उनको निशाना बनाया जा सके। एक बहुत ही जबरदस्त मिलिट्री ऑपरेशन इस समय दोनों ही तरफ से चल रहा है, रूस की तरफ से राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए और यूक्रेन की तरफ से राजधानी कीव को हर परिस्थिति में बचाने के लिए। और ये लड़ाई कब तक चलेगी, कितनी भयावह होगी आने वाले घंटों और दिनों में, आज तक पर हम ये खबर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, बूचा डिस्ट्रिक्ट, यूक्रेन, आज तक।